सो गाइस सबसे पहले प्रूफ देखिए, मैंने यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर गिफ्ट कार्ड वाले सेक्शन में 50 रुपए पड़े हुए हैं। इस पर मैं टैप करता हूँ तो मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाए। 10 रुपए जो है क्रेडिट हुए और ये 18 जून तक वैलिडिटी है, पूरे एक साल की वैलिडिटी होती है। यानी जिस डेट को आपके अकाउंट में फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड एड होता है उस डेट से 12 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो 18 जून को जो है ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, 10 रुपए का। यानी टोटल हमने 5 यहाँ पर गिफ्ट कार्ड अर्न किए हैं 10-10 रुपए की, जिसके रिलेटेड कल मैंने वीडियो बनाकर आपको दिया था और बोला था कि अभी इस ऑफर जो है कंप्लीट कर लीजिए, कल मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। तो काफी यूजर्स ने इस ऑफर को कंप्लीट किया होगा, तो आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, आपको भी जो है गिफ्ट कार्ड मिल चुका होगा। लेकिन जिन्होंने भी उस ऑफर को कंप्लीट नहीं किया और सोच रहे थे कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो में आप उसका प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे जो है रिसीव हो चुका है। ऑफर को कैसे कंप्लीट करना, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए बस यहां होम पेज पर आपने आ जाना है। मैं होम पेज पर पहले आ जाता हूं। होम पेज पर आने के बाद में आपको स्क्रीन पर स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको किसी कारण से यहां पर ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक ऑफर शो हो जाएगा कि आपने 5 ट्रांजेक्शन करने हैं जिसके लिए आपको 50 रुपए का फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो ऑफर बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लो। बस स्कैन एंड पे करना है, किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 50 रुपए आपको सेंड मनी करना है और उसके लिए आपको 10-10 रुपए करके 5 बार जो है फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, जो कि प्रूफ मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दे दिया है। नेक्स्ट ऑफर की बात करें तो गूगल पे की तरफ से ये ऑफर है, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है, एप्लीकेशन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफर का सेक्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपुलर ऑफर्स में एक ऑफर देखने को मिल जाएगा, अनलॉक 5% कैशबैक। यानी आपको बिल पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक स्क्रैच कर दिया जाएगा, जिसे स्क्रैच करने पर आपको 5% कैशबैक वाला ऑफर अनलॉक कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर बिल पेमेंट किस तरह का करना है, तो आप कोई डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं या कोई मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए डीटीएच में तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, रिचार्ज करना आपको जरूरत नहीं तो रिचार्ज क्यों करोगे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और उसके लिए आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाए। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड ले लेते हैं, जिसके लिए हम पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज में आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। बस यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसका आप बिल पे कर सकते हैं। लाइक आप फास्टैग का भी रिचार्ज कर सकते हो अगर आपके पास में लिक्विड का फास्टैग है तो, लेकिन नहीं है तो उसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। और जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हो उसे बस आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे SBI कार्ड का बिल पे करना है तो SBI कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट एंटर कर दूंगा और जो उस कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसे आप एंटर कर दीजिएगा और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मे भी हो सकता है सिक्योरिटी रीजन कारण आपको ये वाले ऑप्शन जो है ब्लर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं उसी तरह से आपने करना है। बस अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, आपका बिल फेच हो गया होगा, आप चाहो तो उतना पेमेंट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर रेंडम अमाउंट भी कुछ भी एंटर कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं, 100 रुपए का यहाँ पर एंटर करेंगे, 100 रुपए का बिल पे करने वाले हैं ताकि हमारा जो ऑफर है अनलॉक हो जाए। 100 मैंने टाइप कर दिया, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता और यूपीआई पिन लेकर पेमेंट को कंफर्म कर देता हूं। पेमेंट हो चुका है कंफर्म और इसके लिए हमें एक रिवॉर्ड भी मिल चुका है, सो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर टैप करके इसको अभी स्क्रैच कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो 5% का कैशबैक हमें मिल जाएगा ऑन एनी गिफ्ट कार्ड परचेसिंग ऑन गूगल पे। यानी हम यहां से गूगल पे के थ्रू अगर कोई भी गिफ्ट कार्ड बाय करते हैं तो 5% का कैशबैक हमें मिल जाएगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी ब्रांड के गिफ्ट कार्ड आ जाएंगे जो यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि Amazon पे गिफ्ट कार्ड, बिग बास्केट का, डोमिनोज का है, फ्लिपकार्ट का है, मिंत्रा का है, नायका का है, जोमेटो का। तो आपको जहां की नीड है, जिस भी गिफ्ट कार्ड का जरूरत है उसे आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप Amazon पे का गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो आप इस पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और ये कोई शॉपिंग गिफ्ट कार्ड नहीं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, इस पैसे को आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। यानी आप चाहो तो शॉपिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप बिल पेमेंट्स के लिए या रिचार्ज के लिए भी यूज कर पाओगे। एंड एक और ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप सभी को पता है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा जिसमें मैं आपको Amazon पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। बैक टू द टॉपिक, अभी हम जिस ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं तो Amazon पे गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको पूरे 5% का यानी उसके अकॉर्डिंग 100 रुपए का कैशबैक अर्निंग करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी 1 करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गिफ्ट कार्ड को बाय कर लेंगे। जैसे आपका गिफ्ट कार्ड जो है सक्सेसफुली बाय हो जाता है, आपको जो है इसके लिए 100 रुपए का जो कैशबैक है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अभी जाइए इस ऑफर को भी कंप्लीट कर। और अगर एक बोनस ऑफर के बारे में बताऊं तो वो है टाइम पे। टाइम पे में अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए,
क्योंकि वहां पर आपको साइन अप करने के लिए भी ऑलमोस्ट जो है 5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, और आप यूपीआई पेमेंट करते हैं उस एप्लीकेशन का यूज करके, इवन आपको चाय के टपरी पर जाकर 20 रुपए का चाय पीना है, 10 रुपए का चाय पीना, तो उसके लिए भी आपको कैशबैक मिलेगा 2 से 3 रुपए। मैं डेली उसके थ्रू पेमेंट करता हूं और मैं कैशबैक अर्निंग करता हूं। अच्छा एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आप उस एप्लीकेशन को रेफर एंड अर्न करके भी अर्न कर सकते। आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को रेफर करके कितना अर्निंग किया है। तो अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो जाइए क्रिएट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का ये ऑफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय वंदे मातरम। आपके पास में अगर एक अकाउंट है गूगल पे का तो आप एक अकाउंट के जरिए 100 रुपए, अगर 5 अकाउंट है आपके और आपके फैमिली मेंबर को मिलाकर तो आप 500 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर है सभी अकाउंट पर शो हो रहा है, तो आप सभी अकाउंट से इस ऑफर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं पर यदि आपके पास में 5 फ्लिपकार्ट भी अकाउंट है तो आप उसके जरिए भी टोटल 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड अर्न कर सकते हैं। तो जितने भी अकाउंट है सभी अकाउंट पर जाइए, इन ऑफर को ट्राई कीजिए और कैशबैक अर्निंग कर लीजिए।